की तैयारियां तेज, नामांकन के लिए उमड़ी भीड़, 29 सितंबर को होगा मतदान। मुजफ्फरपुर में भाकपा का प्रदर्शन, सकरा को बाढ़ग्रस्त घोषित करने की मांग, सीएम आवास पर प्रदर्शन की दी चेतावनी। दुमका में खूब चल रहा अवैध पासिंग का धंधा, सोशल मीडिया पर ऑडियो हुआ वायरल, सभी थानों को मैनेज करने की हो रही बात। वहीं समस्तीपुर पुलिस को मिली बड़ी सफलता, लूटकांड गैंग के 8 बदमाशों को गिरफ्तार, वहीं 20 से अधिक वारदातों में दे चुके हैं अंजाम। नमस्कार, मैं हूं शिखा, आपका स्वागत करती हूं वीआईपी न्यूज में। तो चलिए रुख करते हैं बिहार झारखंड खबरों की ओर। समस्तीपुर जिले में दूसरे चरण में होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर आयोग पूरी तरह से एक्टिव हो गया है। वहीं समस्तीपुर दूसरे चरण के लिए ताजपुर, पूसा और समस्तीपुर ब्लॉक में वोटिंग होनी है। मतदान 29 सितंबर को होगा। इसे लेकर प्रत्याशी नामांकन करने के लिए अपने अपने ब्लॉकों पर पहुंच रहे हैं। बीडीओ राहुल कुमार ने बताया है कि 13 तारीख से सुबह 11 बजे से लेकर शाम में 4 बजे तक नामांकन होगा। वहीं समस्तीपुर ब्लॉक पर हो रहे नामांकन का जायजा लिया हमारे वीआईपी न्यूज संवाददाता केसर खान ने। देखिए, चुनाव को लेकर आज दूसरे चरण में समस्तीपुर के अंदर पंचायत चुनाव होना है, जिसको लेकर आज जो है 7 तारीख से नामांकन जारी हो चुका है, और जिसको लेकर जो है पंचायत भवन के अंदर इस वक्त की जो तस्वीर है, जो अभ्यर्थी है, जो प्रत्याशी है, वो इस वक्त यहां पहुंच रहे हैं और पंचायत चुनाव को लेकर अपने नामांकन को लेकर अंदर जा रहे हैं, और जो सरकार की जो प्रोटोकॉल है, जो गाइडलाइन है, उसका पूरी तरह से पालन कर रहे हैं। वहीं सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी पुलिस व्यवस्था पूरी तरह से यहां पे लगा दी गई है और पुलिस अपना पूरी व्यवस्था के साथ यहां पे मौजूद है। वहीं अगर बात करें कोरोना प्रोटोकॉल की, तो पूरी तरह से जो है वीडियो ने बताया है कि हम लोग पूरी तरह से कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए जो भी प्रत्याशी यहाँ आ रहे हैं वो इसका फॉलो कर रहे हैं और उनका जो है यहाँ जो है कि नामांकन किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं एक बार फिर से जो बिहार के अंदर जो है 11 चरणों में जो चुनाव होना है उसको लेकर जो है पूरी व्यवस्था पूरी कर ली गई है चुनाव आयोग की तरफ से। और आज जो पहला दिन है जिसको लेकर नामांकन है, और नामांकन को लेकर लोग जो प्रत्याशी है वो इस वक्त आ रहे हैं, मगर देखा जाए तो जिस तरह की होनी चाहिए थी, पहला दिन है और कम भीड़ देखने को मिल रहा है, मगर कहीं ना कहीं चुनाव को लेकर लोग उत्साह है और लोग आ रहे हैं अपना नामांकन को लेकर समस्तीपुर प्रखंड कार्यालय जिद्वारपुर के अंदर। वीआईपी न्यूज के लिए समस्तीपुर से कैसर खान। प्रखंड परिसर में नामांकन लिया जाना है और अलग अलग बिल्डिंग इसको चिन्हित किया गया है। ये पंचायत समिति भवन है जहां ग्राम पंचायत के सदस्य का नामांकन लिया जा रहा है। बगल में आंगनबाड़ी केंद्र, ये ICDS कार्यालय है जहां पे बाल विकास केंद्र बना है, वहाँ पंचायत समिति सदस्य का नामांकन लिया जा रहा है। आपको बता दें कि समस्तीपुर जिले में भी दूसरे चरण में होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर चुनाव आयोग पूरी तरह से एक्टिव हो गया है। समस्तीपुर में दूसरे चरण के लिए ताजपुर, पूसा और समस्तीपुर ब्लॉक में वोटिंग होनी है। वहीं मतदान 29 सितंबर को है। इसे लेकर प्रत्याशी नामांकन करने के लिए अपने अपने ब्लॉक पर पहुंच रहे हैं। बीडीओ राहुल कुमार ने बताया है कि 7 तारीख से 13 तारीख तक सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक नामांकन होगा। वहीं अररिया में पंचायत आम चुनाव के दूसरे चरण में भरगामा प्रखंड के जीप सदस्य पद के लिए पहले दिन फारविसगंज अनुमंडल मुख्यालय में महज एक प्रत्याशी शाहिन ने नामांकन किया। फारविसगंज अनुमंडल कार्यालय में निर्वाचित पदाधिकारी सह SDO सत्येंद्र कुमार ने अलबेला के समक्ष नामांकन पत्र दाखिल किया है। वहीं नामांकन को लेकर सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था किए गए हैं। आपको बता दें कि अररिया में महापंचायत आम चुनाव के दूसरे चरण में भरगामा प्रखंड के जीप सदस्य पद के लिए पहले दिन फारविसगंज अनुमंडल मुख्यालय में एक प्रत्याशी शाहिन ने नामांकन किया है। फारविसगंज अनुमंडल कार्यालय में निर्वाचित पदाधिकारी सह SDO सुरेंद्र कुमार अलबेला के समक्ष नामांकन पत्र दाखिल किया गया। नामांकन को लेकर सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था किया गया है।
स्तर पर मासिक अपराध गोष्ठी का आयोजन किया गया है। इस संदर्भ में हम लोग कांड निष्पादन के साथ साथ जो वरीय पदाधिकारी के आदेश होते हैं, खास करके हाल के दिनों में कमजोर वर्ग महिलाएं SC ST संबंधित नए आदेश वरीय पदाधिकारी के द्वारा प्राप्त किए गए, इसमें हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा लगातार वीडियो कॉन्फ्रेंस करके सभी को कानून की जानकारी भी दी गई है। इसका एक फिर से हम लोगों ने एक एक्सरसाइज किया है अभी सर्किल इंस्पेक्टर साहब और सभी थाना अध्यक्ष के साथ, ताकि जो विपरीत वर्ग हैं उनको न्याय मिल सके। मधुबनी के झंझार पंचायत चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है। गश्ती बढ़ाने की जरूरत है, विशेष सावधानी बरतने के साथ ही माफियों पर नकेल कसने की भी जरूरत है। हम आपको बता दें कि वहीं SDPO आशीष आनंद ने क्राइम मीटिंग की ओर में कहा है कि पंचायत चुनाव की गतिविधि तेज हो गई है। पंचायत चुनाव को लेकर अलग अलग प्रकार की अतिरिक्त गतिविधियां पंचायतों में होने की संभावना को देखते हुए चौकीदार को अलर्ट मोड पर रखे। वहीं पंचायत स्तर पर असामाजिक तत्वों को चिन्हित करने के कार्रवाई भी शुरू करे। वहीं पटना के IMA हॉल में भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट की बैठक हुई है, जिसमें पूरे प्रदेश के 38 जिलों के प्रतिनिधि शामिल हुए, जिसमें मुख्य रूप से राज्यसभा सांसद अखिलेश प्रताप सिंह, पूर्व मंत्री सुरेश कुमार शर्मा के साथ अन्य सामाजिक लोगों ने कार्यक्रम की शुरुआत की। सम्मेलन में फ्रंट के स्थायी अध्यक्ष के रूप में पूर्व मंत्री सुरेश कुमार शर्मा को चुना गया, जबकि कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में पूर्व मंत्री अजीत कुमार सुधीर शर्मा को उपेंद्र प्रसाद की सर्वसम्मानित से चुना गया है। वहीं राज्यसभा सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह को कहा है कि हमारे समाज में किसानों की संख्या सबसे अधिक है। हमारे समाज के ज्यादातर लोगों का जीवन यापन खेती पर निर्भर है। ऐसे में जरूरी है कि हम किसी भी सरकार में रहे, लेकिन हम अपने लोगों की आवाज सरकार तक पहुंचाएंगे। वहीं आपको बताते चले कि पटना के IMA हॉल में भूमिहाल ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट की बैठक हुई है, जिसमें पूरे प्रदेश के 38 जिलों के प्रतिनिधि शामिल हुए हैं। इसमें मुख्य रूप से राज्यसभा सांसद अखिलेश प्रताप सिंह, पूर्व मंत्री सुरेश कुमार शर्मा, अन्य सामाजिक लोगों ने कार्यक्रम की शुरुआत की है। वहीं मुजफ्फरपुर के सकरा में भाकपा यानी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने 7 सूत्रीय मांगों को रखा है। आपको बता दें कि एक दिवसीय धरना करने का उन्होंने ऐलान किया है। वहीं भाकपा के मांगों की बात करें तो पहले मांग है कि सकरा विधानसभा क्षेत्र को बाढ़ ग्रस्त घोषित किया जाए, साथ ही बाढ़ राहत फसल नुकसान का मुआवजा, आवास मनरेगा मजदूरों को काम, भ्रष्टाचार पर रोक, जल निकासी के लिए नालों की सफाई, पानी भरने में होने वाली महामारी की रोकथाम थाम के लिए दवा का छिड़काव किया जाए। इसके अलावा तीनों कृषि कानून खत्म किए जाएं। भाकपा ने चेतावनी देते हुए कहा है कि आज तो सिर्फ धरना दिया है, अगर मांग पूरी नहीं होगी तो हम मुख्यमंत्री आवास तक धरना देंगे। समस्या ये है कि मैंने जो मजदूर लॉकडाउन के बाद जिनको न कहीं काम, गरीबों को न काम मिला है, न कोई रोजी रोजगार मिल रहा है, उनके अंदर भूखमरी की स्थिति है एक मजदूरों के अंदर। दूसरा जो बाढ़ से ग्रसित लोग हैं उनके यहाँ ये सरकार, ये प्रशासन जो है समुचित रूप से जिस तरह राशन की व्यवस्था करना चाहिए, सामुदायिक किचन की व्यवस्था करना चाहिए, उनको पर्याप्त मात्रा में जो है सुविधा देने की व्यवस्था की जानी चाहिए, इस तरह का कुछ भी नहीं हो रहा है। ये सिर्फ जो है बाढ़ राहत के नाम पर, कुछ बाढ़ राहत के नाम पर प्रखंड से लेकर और जिला तक जो है से एक लूट खसोट का जो है सो एक जरिया बन चुका। मजदूरों को मनरेगा भत्ता 10,000 देना होगा। देना होगा।
वहीं सातवां वेतन मान के साथ 12 सूत्री मांगों को लेकर पूरे राज्य में नगर निकाय कर्मी मंगलवार से हड़ताल पर चले गए हैं। उनके हड़ताल पर जाने से शहर की साफ सफाई ठप हो गई है। मुजफ्फरपुर में भी संयुक्त मोर्चा के बैनर तले नगर निगम कर्मचारियों ने नगर निगम कार्यालय में जमकर नारेबाजी की। अनिश्चितकालीन हड़ताल का नेतृत्व कर रहे संयुक्त मोर्चा के अध्यक्ष अशोक राय ने कहा है कि सरकार ने निकाय कर्मियों को बंधुआ मजदूर समझ लिया है। शासन प्रशासन निगम कर्मचारियों के सिर्फ काम लेना जानती है, लेकिन उनके हितों का ख्याल नहीं रखना चाहती। कर्मचारी आज से हड़ताल पर रहेंगे और जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होती हड़ताल पर वो डटे रहेंगे। अपनी 12 सूत्री मांगों के लिए ज्ञापन दिया। ज्ञापन के बाद 2 तारीख को सरकार से मिली, प्रधान सचिव से वार्ता हुई। वार्ता सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुआ। उन्होंने कहा कि हम मांग जायज है, ये सारी मांग मानेंगे। हम लोगों के मांग में था कि ये संविदा कर्मी हैं, इनका सेवा स्थायी करो। तो उन्होंने कहा कि क्या कर रहे हैं, आज से हम लोग काम का चक्का जाम कर दिए। पूरे शहर में सफाई 100% बंद है और निगम प्रशासन से हम लोगों की टकराव की स्थिति आ रही है। हुई क्या वार्ता के लिए तो बुलाया गया, वार्ता प्रधान सचिव अपने स्तर से किए, लेकिन वार्ता का कोई समझौता पत्र या नगर विकास का कोई आदेश निकालने से वो इनकार कर गए। तो उनकी इनकार करना संगठन के साथ मजबूरी थी कि संगठन अगर 3 महीने से टाइम देता था और उनके आग्रह पर फिर वो मतलब एक्सटेंशन करता था, लेकिन इस बार हम लोग अड़ गए कि नहीं, जब तक आप सम्मानजनक समझौता का कोई आदेश नहीं निकालिएगा तब तक हड़ताल जारी रहे। 7 दिसंबर से क्या रहेगा, अभी तो यंग राई है, अभी सारी मांगे जायज है। वहीं पूर्वी चंपारण के हाई स्कूल में सेना भर्ती फिजिकल ट्रेनिंग सेंटर पर छात्र छात्राओं को ट्रेनिंग दी जा रही है। वहीं ट्रेनिंग सेंटर पर स्थानीय विधायक सह पूर्व मंत्री राणा रणधीर सिंह पहुंचकर ट्रेनिंग कर रहे छात्र छात्राओं का हौसला बढ़ाया है। साथ ही कहा है कि सुदूर गांव में इस तरह की ट्रेनिंग सराहनीय कार्य है। वहीं सभी खेलों के विजेता प्रतिभागियों को शील्ड और मेडल देकर सम्मानित किया गया। मौके पर HM धर्मदेव आर्य समाजसेवी राकेश कुमार सिंह के साथ काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। आरती सेकेंड पे रहो, सेकेंड वाला पकड़ो, छोड़ दो। वहीं अगली खबर नालंदा से है, जहां स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने के लिए बिजली विभाग ने तैयारियां तेज कर दी है। शरीफ के विद्युत कार्यालय में साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के महाप्रबंधक अरविंद कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस दौरान मीटर की खूबियों और फायदों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया है कि पहले फेज में बिहार शरीफ, राजगीर और हिलसा में मीटर लगाए जाएंगे। स्मार्ट सिटी लगाने से बिजली की चोरी पर रोक लगेगी। उदाहरण के लिए जिस प्रकार मोबाइल में बैलेंस खत्म होने पर ग्राहक किसी से बात नहीं कर पाते हैं, ठीक उसी प्रकार प्रीपेड मीटर में बैलेंस खत्म होने पर घर की बत्ती गुल हो जाएगी। हालांकि बैलेंस खत्म होने के 3 दिनों तक उन्हें बिजली मिलते रहेगी। इसके पूर्व उन्होंने हाल ही में रिचार्ज कराना होगा। हालांकि लोगों की सुविधाओं को ध्यान में रखकर खास बात यह है कि बिजली छुट्टी के दिन या रात में नहीं कटेगी, मतलब बिजली दिन में 10 बजे से 1 बजे के बीच काटी जाएगी। हम लोग यहाँ स्मार्ट प्रीपेड मीटर के लिए प्रेस वार्ता के लिए उपस्थित हुए थे। मेरे साथ मेरे अधीक्षक अभियंता हैं, सीनियर प्रोटोकॉल अफसर हैं, जो पटना विद्युत भवन से आए हैं। इसके बारे में जो खूबियाँ हैं वो मैंने विस्तार से बताया है। जो मीडिया बंधु यहाँ उपस्थित थे, ये मीटर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट लगाया जाएगा। कोई भी इसमें मजदूरी है और मीटर का लागत हम उपभोक्ता से नहीं लेंगे। इस मीटर की खूबी है कि आप इसमें हम 3% एक्स्ट्रा रिबेट दे रहे हैं। अगर कोई 1000 रुपये से रिचार्ज करेगा तो उसका बैलेंस 3% बढ़ के मतलब 1030 रुपये उसके मीटर में बैलेंस हो जाएगा। आपको बता दें कि नालंदा में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने के लिए बिजली विभाग ने तैयारियां तेज कर दी है। शरीफ के विद्युत
कार्यालय में साउथ वीआर पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के महाप्रबंधक अरविंद कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस दौरान मीटर की खूबियों और फायदों के बारे में जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि पहले फेज में बिहार शरीफ, राजगीर और हिलसा में मीटर लगाए जाएंगे। स्मार्ट मीटर लगाने से बिजली की चोरी पर रोक लगेगी। उदाहरण के लिए जिस प्रकार मोबाइल में बैलेंस खत्म होने पर ग्राहक किसी से बात नहीं कर पाते हैं, ठीक उसी तरह प्रीपेड मीटर में बैलेंस खत्म होने पर घर की बत्ती गुल हो जाएगी। हालांकि बैलेंस खत्म होने के 3 दिनों तक उन्हें बिजली मिलते रहेगी। इसके पूर्व उन्हें हर हाल में रिचार्ज कराना होगा। हालांकि लोगों की सुविधाओं को ध्यान में रखकर खास बात यह है कि बिजली छुट्टी के दिन या रात में नहीं कटेगी। वहीं बोकारो में बैंक ऑफ इंडिया का 116वां स्थापना दिवस तेलो शाखा में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया है। पूर्व शाखा के मुख्य द्वार में फीता काटने के बाद केक काटकर मनाया गया। पूर्व मुखिया युगल महतो ने कहा है कि तेलो में बैंक खुलने से यहां के लोगों को बहुत सुविधाएं होती है। तेलो कृषि प्रधान पंचायत होने के नाते इस बैंक से बहुत सारे किसानों को ऋण मिला है, जिस कारण आज यहां के किसान बड़े पैमाने पर खेती कर अपना जीवन अच्छी तरह से चला रहे हैं। मुखिया सरिता मंडल ने कहा है कि बैंक इंडिया तेलो शाखा से महिला समूह को ऋण देकर आत्मनिर्भर बना रहे हैं, जो सराहनीय कार्य है। बैंक ऑफ इंडिया तेलो का जो बैंक जब से खुला है, यहाँ के लोगों को बहुत बड़ा उपलब्धि मिला है। तेलो एवं तेलो के आसपास के गांवों के लोग यहाँ जो है तो बैंक से आते हैं खेती के लिए। किसानों को बहुत तरह का उपलब्ध है और अपना जीविका उपजन कर रहे हैं। आज ही बैंक का वर्षगांठ है और वर्षगांठ के उपलक्ष्य पर बैंक के जो मैनेजर साहब हैं, इसका भी बहुत बड़ा उपलब्धि है। वहीं मधुबनी की बेनीपट्टी के कटिया मोड़ पर कार्रवाई करते हुए 352 बोतल नेपाली देसी शराब के साथ 2 कारोबारियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही 1 नैनो कार भी जब्त कर लिया गया है। थाना अध्यक्ष अरविंद कुमार ने बताया है कि गुप्त सूचना मिली थी कि कटिया मोड़ होते हुए नरसाम की ओर शराब की बड़ी खेप जाने वाली है, जिसके आलोक में ये कार्रवाई की गई है। कार्रवाई में SI अशोक कुमार के साथ दल बल शामिल थे। वहीं दुमका में अवैध बालू और कोयला का अवैध धंधा जोरों पर चल रहा है। एजेंट दुमका से अवैध ओवरलोड वाहनों की पासिंग को लेकर अलग अलग हथकंडे अपना रहे हैं, जिसका ऑडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें ओम नाम का दलाल पासिंग के लिए 3,200 रुपए ट्रक मालिक से मांग रहा है और दुमका जिले में पकड़ने वाले सभी थानों का जिक्र करते हुए सब मैनेज होने की बात कह रहा है और कोई परेशानी होने पर ओम जी का नाम लेने से गाड़ियों को एक थाने से दूसरे थाने में आसानी से पार करने का दावा भी कर रहा है। अब सवाल ये उठता है कि पुलिस का पासिंग एजेंटों के खिलाफ लगातार कार्रवाई के दावे के बीच ओम नाम का व्यक्ति कौन है और कैसे पूरे जिले का ठेका ले बैठा है। हालांकि अब पासिंग का तरीका बदल चुका है, यानी अब पासिंग का धंधा पूरा डिजिटल हो चुका है। आपको बता दें कि पासिंग का मतलब होता है कि ट्रक चालक से 3,200 रुपए का टोकन काटा जाता है, जिसे दिखाने से गाड़ियों का एक थाने से दूसरे थाने आसानी से पार हो जाती है। तो चलिए आपको सुनाते हैं ये ऑडियो। हाँ बोलिए रंजीत भैया। हाँ 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 बोल रहे हैं कि इनसे इनको बता दीजिए कि कहाँ कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। ना ना झारखंड में दुमका जिला में गाड़ी कहीं कोई नहीं पकड़ेगा। हेलो बोल रहे हैं आपको हर बिहार है कि कल जा रही रहे।
क्या कल जाएगी जमा टाउन थाना आरो मुफस्सिल थाना शिकारीपुरा थाना या रामगढ़ थाना या जो है क्या कहते हैं आपका काशीकुंड थाना रामगढ़ ये बता सकते हैं पहली बात सुन जी जी शिकारीपुरा शिकारीपुरा उसके बाद आ जाइए काशीकुंड उसके बाद आ जाइए रामगढ़ थाना उसके बाद आ जाइए मुफस्सिल थाना उसके बाद आ जाइए टाउन थाना उसके बाद आ जाइए जरमुंडी जमा जमा उसके बाद जरमुंडी उसके बाद कलझारी इतना थाना थाना में क्या कोई दिक्कत ना है न एमबीआई डीटीओ का टेंशन है न माइनिंग का टेंशन है। हेलो एसडीआर सुनिए हेलो हेलो एसडीआर बोल रहे हैं तो कहीं कोई टेंशन ना है और बोलिए रोकेगा एसडीआर थाना तब बस एगो नंबर एसडीआर थाना रोकेगा एगो नंबर हम आपको देंगे वो थाना वो हमको फोन वो आप उस नंबर पे फोन कीजिएगा पूरा सुनिए हेलो हेलो सुन रहे हैं हेलो सुन रहे हैं आप जैसे पेमेंट कीजिएगा 3200 रुपया सुनिए हेलो सुन रहे हैं बोलते रहिए 3200 रुपया पेमेंट कीजिएगा उसके बाद जितना थाना है सब थाना चला जाएगा मैसेज हेलो हाँ सुन रहे जितना थाना है सब थाना मैसेज चल जितना थाना है सब थाना मैसेज चल जाएगा जिसका पेमेंट नहीं है जिसका मैसेज व्हाट्सएप में नहीं जाएगा वहाँ मैसेज गाड़ी पकड़ाएगा उसका फाइन हम ही करेंगे दूसरा कोई नहीं करेगा थाना वाला भी नहीं करेगा उसका फाइन हम ही करेंगे द्वितीय मोबाइल एमबीआई से कोई द्वितीय मोबाइल एमबीआई सब 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 रिक्शा है गाड़ी कोई नहीं पकड़ेगा गाड़ी पकड़ेगा ना 3200 रुपया में आपका इंश्योरेंस हो गया गाड़ी पकड़ेगा 3200 रुपया जो लेगा कुछ रहेगा ठीक है पेमेंट कहाँ लीजिएगा सुनिए ना हेलो पेमेंट कहाँ लीजिएगा हेलो पेमेंट कहाँ लीजिएगा बोल रहे ये भी पकड़ेगा सीओ सब पकड़ता है ना सीओ पकड़ता है ना हेलो बोलिए ना पकड़ेगा। वहीं अगली खबर समस्तीपुर से है जहां पुलिस ने एक बड़े गैंग का पर्दाफाश किया है। समस्तीपुर समेत नालंदा बेगूसराय पटना मुजफ्फरपुर और वैशाली में 20 से अधिक लूट कांड की घटना को अंजाम दे चुके 8 कुख्यात अपराधियों को पुलिस ने धर दबोचा है। समस्तीपुर पुलिस ने अलग अलग जगह पर छापेमारी कर गैंग का सरगना समेत 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इनके पास से कई कीमती सामान भी बरामद हुआ है। बदमाशों ने 23 अगस्त को दिन दहाड़े एक व्यापारी की हत्या कर लूट की घटना को अंजाम दिया था। इसके अलावा 1 सितंबर को एचपी गैस के प्रबंधक को घायल कर लूट की घटना को अंजाम दिया। आपको यह भी बता दें कि दर्जनों हत्या और लूट कांड में ये सभी आरोपी लिप्त हैं। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। मुझे इजाजत दें। नमस्कार।